जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक समनीय वाद, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस में वेतन संबंधित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व सिविल वादों सहित अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में ही निस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। सचिव राहुल सिंह ने सभी वादकारियों से अनुरोध किया है कि जो भी वादकारी अपने वादों को लोक अदालत में निस्तारण कराना चाहता है, वे संबंधित न्यायालय को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने वादों का निस्तारण करवा ले। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश गोरखपुर के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समनीय फौजदारी मामले, सिविल प्रकृति के मामले, पारिवारिक मामलों से संबंधित वाद, एमएससीटी से संबंधित मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले तथा अन्य सभी प्रकार के मामलों का निस्तारण इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत कल सुबह 10 बजे से यहाँ माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा तथा इसकी शुरुआत की जाएगी। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी गोरखपुर वासियों से आग्रह करता हूँ कि जिस किसी भी मुकदमे किसी अन्य न्यायालय में पेंडिंग है, वो उस न्यायालय में आए और राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले को निपटाए और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो फायदे होते हैं उसको उठाए। धन्यवाद।